तो हर हर महादेव फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस नए वीडियो में सभी का स्वागत है। हम आ चुके हैं हर बार की तरह एक नया लेटेस्ट वीडियो में सभी के सामने लेकर। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाने की तैयारी चल रही है, देख सकते हैं कितना ढलाई हुआ है, कितनी सीढ़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं और कितना पत्थर लगाने का काम हो चुका है। और ये देखिए रैंप पे क्या हो रहा है, इतने ही अभी पत्थर लगे हैं लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी पत्थर लगा दिए जाएंगे जो कि आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स आसपास देख सकते हैं, इधर मैं एक बार गया था और आपको वीडियो दिखा चुका हूँ यहाँ का। तो फाइनली क्या हुआ क्या नहीं हुआ देख सकते हैं। तो इस साइड देख सकते हैं फ्रेंड्स, आइए चलते हैं नीचे और दिखाते हैं सभी नज़ारे। यहाँ पे पत्थर लगाने का काम बहुत ही तेज़ी के साथ किया गया था और यहाँ पे लगभग कंप्लीट हो चुका है इस साइड का पूरा वर्क। देखिए तो इधर का जितना भी पत्थर लगाने का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, कहीं कहीं बाकी है देख सकते हैं। इस साइड का भी इतना भी वर्क था लगभग कंप्लीट हो गया है। देखिए इधर पत्थर लगाने का काम कंप्लीट हो गया है और ये धीरे धीरे इधर का एरिया जो कंप्लीट किया जा रहा है, कुछ दिनों में ये भी कंप्लीट हो जाएगा देख सकते हैं। तो कहाँ तक काम हुआ है कहाँ तक नहीं हुआ है अभी के सामने है। देखिए यहाँ पे पत्थर लगाने का काम बाकी है, इस साइड हो चुका है, इस साइड भी हो चुका है, यहाँ पे बाकी है। ऊपर देखिए मणिकर्णिका घाट के इस पूरे एरिया को बनाया जा रहा है, पत्थर लगाए जा रहे हैं देख सकते हैं। और कुछ दूरी पे देख सकते हैं काशी करवट, ये मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है लेकिन ये काशी करवट मंदिर है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये तारकेश्वर महादेव मंदिर है और कुछ ही दूरी पे आपको मणिकर्णिका कुंड देखने को मिलेगा जहाँ पे नहाने के बाद आप सभी के सारे पापों को हर लिया जाता है ऐसा माना जाता है, कई तरह की यहाँ पे मान्यताएँ हैं। तो यहाँ पे देखिए पत्थर लगाए गए हैं और ये पूरा एरिया देख सकते हैं, यहाँ पे पत्थर और बाकी सामान को यूज करने के लिए रखा गया है, पूरा एरिया कवर किया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे का पूरा हिस्सा ये लगभग कंप्लीट हो चुका है और यहाँ मशीनें हैं, नई नई मशीनें लाई जा रही हैं और कोशिश किया जा रहा है कि इन जितनी भी यहाँ पे वर्क नहीं हो पाया है नहीं हो सका है तो उन्हें कंप्लीट करने का काम कर लिया जाए। और ये मणिकर्णिका घाट यहाँ पे देखिए ऊपर चिमनी बनाई गई है, वहाँ पे भी शव को जला जाता है उस जगह और नीचे भी शव को जलाया जाता है। तो जब भारी मात्रा में यानी कोरोना पीरियड हो या फिर कोई ऐसा एरिया हो, ऐसी समस्या हो यानी नीचे बहुत सारे जमा हो गए हों और पूरा भीड़ से खचाखच भर गया हो तो ऊपर जला जाता है। और हरिश्चंद्र घाट ये लगभग दो ही अपने बनारस में दो ही घाट हैं जहाँ पे इन दोनों घाटों का सहारा लिया जाता है, यानी ये काफ़ी बड़ा घाट है यहाँ पे शव को जलाने के लिए और लगातार यहाँ पे लाइन भी कभी कभी लग जाती है। और सामने देख सकते हैं ये एक बाबा हैं, ये लगभग हमेशा आपको बैठे हुए दिखाई देते हैं, ये यहाँ पे यहाँ पे कैमरा मैं जूम करके दिखा पा रहा हूँ। देखिए तो ये बाबा ऐसे ही बैठे रहते हैं, मैंने कई बार देखा है इनको, तो सभी देख सकते हैं। और बाबा मसान का यहीं पे मंदिर है, लकड़ियाँ गाजी गई हैं तो चिमनी देख सकते हैं पूरा दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। इस साइड अभी कुछ भी नहीं जला जा रहा, अभी इस साइड शायद मना किया गया है यहाँ पे, और पूरा फ्रेम भी कंप्लीट नहीं किया गया है नहीं लगाया गया है। यहाँ पे पांच फ्रेम लगाए गए हैं और एक फ्रेम नहीं लगा हुआ है और पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है देख सकते हैं। यहाँ पे पत्थर लगाने कितना काम हुआ है ये अभी पूरा कवर करना है यानी नहीं हुआ है,
तो यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाने का काम और रैंप का काम, ये पूरा पत्थर। और यहाँ पे देखिए पूरा पत्थर बीच बीच में फ्रेंड्स, ये बनने के बाद यहाँ पे बीच में इसके सीमेंट और गिट्टी बालू से इसको भरा जाएगा। देखिए पूरा, तो ये जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है, जितनी भी दीवारें ढलाई हुई दिखा रही हैं, दिख रही हैं आप सभी को, यहाँ पे पूरा पत्थर लगना है। और यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये बोर्ड लगाए गए यहाँ पे, ये देखिए इतना वर्क हुआ यहाँ पे पत्थर लगाने का। ये देखिए रैम का नज़ारा, यहाँ पे गिट्टी बालू मिक्स करके रखा गया, देख सकते हैं गिट्टी बालू सीमेंट, और इसके अंदर जाकर वर्क किया जा रहा है। आप सभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, टोटल आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ये पूरा। और यहाँ पत्थर लगाने कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ है आप सभी के समक्ष है। और ये मैं अंदर जाके दिखा पा रहा हूँ सभी को, देख सकते हैं पूरा। देखिए पूरा हिस्सा कैसे है, कुछ ढलाई हुआ है, कुछ मिट्टी है इसमें। ये देखिए पूरा, तो काफ़ी अंदर जाने लायक नहीं है क्योंकि कुछ भी हो सकता है इसमें, गिर सकता है तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब सभी जूम करके मैं दिखा पा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे यहाँ सीढ़ियाँ बनेगी, ये पूरी ये पूरा सीढ़ी बनेगा और फिर ऊपर जाकर ऊपर चढ़ना होगा और ये ऊपर आप सभी को ले जाएगा। शायद आगे से ही यहाँ पर लिफ्ट बनाई जाएगी, तो अभी कुछ उभर कर सामने नहीं आया, तो चलिए चलते हैं बाहर। बस आप सभी सपोर्ट करते रहिए, ऐसे में वीडियो हमेशा देता रहूँगा। और नए हैं वीडियो में तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर ज़रूर से करें। बाबा का भव्य कॉरिडोर, यहाँ पे देखिए पत्थर लगाने का काम कितना हो चुका है और कितना होने वाला है, सब कुछ मेरे वीडियो में आप सभी को नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे फोटो क्लिक हो रहा है, सभी लोग कर रहे हैं जो दर्शन करने आए हैं।
तो अपने देश के बहुत ही बड़े बड़े नेता लीडर अपने ब्रांच में आ चुके हैं। एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे बाबा विश्वनाथ हैं, जो पूरे विश्व के नाथ माने जाते हैं। उनका मंदिर स्थापित हो चुका है और शायद इसी की वजह से और प्रधानमंत्री का यह संसदीय क्षेत्र रहा है। इसकी वजह से भी यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े नेता आए हैं। और कल के दिन यहाँ पे देश के सबसे बड़े पद पे विराजमान राष्ट्रपति आ चुके हैं। यहाँ पे लगभग 3 दिनों की यहाँ पे उनकी यात्रा है, 3 दिन यहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा एरिया देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है आप सभी को, जो कि नज़र आ रहा होगा आप सभी को। देख सकते हैं यहाँ पे होटल, और यहाँ पे पूरा एरिया कवर किया गया है। देख सकते हैं पूरा टोटल यहाँ पे ये पत्थरों को चिपकाने का वर्क किया गया है पूरा। मंदिर का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं आप सभी, और यहाँ पे माँ गंगा। इसमें सभी लोग आ रहे दर्शन पूजा करने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों दूर दूर देख सकते हैं आप सभी, काफ़ी बेटर और काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ का आप सभी देख पा रहे होंगे मेरे वीडियो के माध्यम से। आइए ऊपर चलते हैं, हम दिखाते हैं पूरा नज़ारा आप सभी को। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी सब्सक्राइब करें, हेल्प करें छोटे भाई का, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरे लिए बहुत कुछ है फ्रेंड्स। और ये पशुपतिनाथ मंदिर ललिता घाट पे विराजमान है, ये भी महादेव के एक रूप हैं। और ये देख सकते हैं सीवेज पंपिंग स्टेशन का खात्मा होने के बाद यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे वर्क ही चल रहा है देख सकते हैं यहाँ पे। और इस साइड ललिता घाट का काम, इट से दशाश्वमेध घाट जा सकते हैं आप सभी। तो ये पूरा एरिया देख सकते हैं आप सभी, जो आप सभी को नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर वर्क चल रहा है फ्रेंड्स इस पूरे जगह।
तो हर हर महादेव फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना है। प्लीज़ सपोर्ट करने छोटे भाई को, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट।